आज हमारा फोन हमारा कंप्यूटर है, अलार्म क्लॉक है, फ्लैशलाइट है, गेमिंग डिवाइस है और कैमरा भी है। पर कई लोगों के लिए फोन का कैमरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। और क्यों ना हो, फोन कैमरास दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। पर अगर आपको 30,000 रुपए में सबसे अच्छा फोन का कैमरा चाहिए तो वो कौन सा होगा, वही जानने के लिए आज हम लेके आए हैं तीन फोन के बीच में एक कंपैरिजन जो सब 30,000 रुपए के अंदर है। पहला है सैमसंग गैलेक्सी M53, दूसरा Realme 9 Pro Plus और तीसरा है OnePlus Nord CE2। अभी हम जाते हैं कैमरा कंपैरिजन की ओर और देखते हैं कौन सा फोन का कैमरा सबसे अच्छा है बिलो 30,000। की कड़ी धूप में 8 से 9 घंटे बिताए हैं शूट करते हुए। तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर देना। अभी स्टार्ट करते हैं फोन के कैमरा के स्पेक्स के साथ। सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी M53 जिसमें आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। पहले तो आपके पास है एक 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, और आपको एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा भी मिल जाता है। सेल्फीज के लिए आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और इस पे आपको रियर में वीडियो 4K एट 30 FPS मिलता है, 1080p एट 30 एंड 60 FPS मिलता है और फ्रंट कैमरा से आपको 4K एट 30 एंड 1080p एट 30 मिल जाता है। सेकंड जो हमारा कैमरा है वो है Realme 9 Pro Plus जिसमें आपको तीन कैमरा दिए गए हैं। सबसे पहला एक 50 मेगापिक्सल का Sony IMX766 मेन सेंसर है। सेकंड है आपके पास एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और थर्ड है आपके पास एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। सेल्फीज के लिए तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। इसमें रियर में आपको 4K एट 30 FPS वीडियो मिलता है और 1080p आपको 30, 60, 120 और 480 FPS में मिल जाता है। 720p भी मिल जाता है 960 फ्रेम्स पर सेकंड पे, जो सुपर स्लो मोशन है। सेल्फी में आपको 1080p एट 30 मिल जाता है। Realme में एक्चुअली बहुत सारे फीचर्स है जैसे कि स्ट्रीट फोटोग्राफी, AI नॉइज रिडक्शन, जायरो AIS और कई सारे जो दूसरे फोन्स में इतने ज्यादा नहीं है। तीसरा फोन है हमारा OnePlus Nord CE2 जिसमें आपको एक 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। रियर में आपको 4K एट 30 FPS मिल जाता है और 1080p एट 30, 60 एंड 120 FPS। सेल्फी कैमरा में वीडियो 1080p एट 30 एंड 60 में मिल जाता है। तो अभी शुरू करते हैं कैमरा कंपैरिजन के साथ। डे लाइट में आपको अच्छे फोटोज मिल जाते हैं तीनों फोन पे इन गुड लाइटिंग। क्लोज अप पिक्चर्स जैसे कि ये फ्लावर का है, उसमें कलर्स तीनों के ब्राइट एंड वाइब्रेंट दिखते हैं, पर नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड जो होता है वो ज्यादा रियलमी पे है। प्राइमरी कैमरा से हमने ये फेंस का पिक्चर लिया है और आपको दिखाई देगा कि सैमसंग को फोकस करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सेम आपको ये ऑरेंज फ्लावर के फोटो में भी दिख जाएगा। क्लोज अप्स में वन प्लस के कलर्स बहुत ही नेचुरल दिखते हैं, जो हमें अच्छा लगा। डायनामिक रेंज वन प्लस में फिर से बेस्ट है विद डिटेल्स इन शेडोज एंड हाइलाइट्स कैप्चर, जैसे कि ये स्टैचू का टॉप है, बीच पे रॉक्स या ये ट्री बार्क। सैमसंग स्पेशली शेडोज के डिटेल्स थोड़ा ज्यादा क्रश करता है और हाइलाइट्स को ज्यादा एक्सपोज कर देता है। शार्पनेस की बात करो तो Realme के इमेजेस सबसे शार्प दिखाई देते हैं और OnePlus उसके बाद, पर Samsung के इमेजेस में कभी कभी थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाता है। Realme और OnePlus में आपको 50 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल के मोड्स भी मिल जाते हैं जिससे शार्पनेस और थोड़ा बढ़ जाता है, पर डायनामिक रेंज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। पोर्ट्रेट इमेजेस लुक बेटर ऑन OnePlus। Samsung और Realme का एज डिटेक्शन इतना अच्छा नहीं है। OnePlus के एज डिटेक्शन में भी मिस्टेक्स है, पर वो इतने बुरे नहीं हैं। प्लस Samsung और Realme का ब्लर बहुत ही अग्रेसिव लगता है हमें। ह्यूमन सब्जेक्ट्स लुक मोस्ट ट्रू टू लाइफ ऑन द OnePlus,
पर आपको शायद लगेगा कि Realme के पिक्चर्स ज्यादा प्लीजिंग है सोशल मीडिया के लिए। जब बैकग्राउंड का लाइट स्ट्रॉन्ग होता है तभी Realme सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से लाइट अप कर देता है विदाउट मेकिंग इट लुक टू डार्क। पर स्किन टोन सबसे ट्रू टू लाइफ OnePlus और Samsung पे ही है। Realme थोड़ा सा स्किन टोन को चेंज कर देता है जिससे सब्जेक्ट्स की स्किन के डिटेल्स और टेक्सचर्स जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। कलर्स की बात करो तो नॉर्मल फोटोज में Realme के कलर्स कभी कभी ट्रू टू लाइफ दिख जाते हैं जो आपको ह्यूमन सब्जेक्ट्स के फोटोज में नहीं मिलेगा। OnePlus अगेन नेचुरल कलर्स देता है और Samsung के कलर्स थोड़े से वॉश्ड आउट या अननेचुरल दिखते हैं। आप अगर ये खाई की इमेज देखो तो आपको दिख जाएगा कि Samsung का इमेज थोड़ा वॉश्ड आउट दिखता है जहाँ की OnePlus और Realme का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तीनों फोन्स में आपको एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का। तीनों के मैक्रो कैमरास काफी लो रेज है पर Samsung के मैक्रो शॉट्स सबसे ज्यादा यूजेबल लगते हैं। तीनों फोन्स के मैक्रो शॉट्स नॉइजी है पर हमें Realme के मैक्रो शॉट्स में सबसे ज्यादा नॉइज दिखा था। अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड फोटोज की। तीनों फोन्स अच्छे फोटोज लेते हैं अपने प्राइस के लिए पर OnePlus का डायनामिक रेंज बेहतर है पर डिटेल सबसे ज्यादा आपको Realme में मिलेगा। Samsung का अल्ट्रा वाइड फ्रेम थोड़ा ज्यादा फिट करता है तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है। OnePlus थोड़ा आर्टिफिशियल शार्पनिंग कर देता है अल्ट्रा वाइड इमेजेस में जो अननेचुरल दिखता है। बैरलिंग या कॉर्नर डिस्टॉर्शन में तीनों काफी इक्वल है पर OnePlus का थोड़ा ज्यादा लगता है इन सम पिक्चर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्फीज। Samsung के सेल्फी सबसे ज्यादा नेचुरल लगते हैं, स्किन टोन ट्रू टू लाइफ है। Realme के सेल्फीज थोड़े आर्टिफिशियल लगते हैं इवन विद ब्यूटी मोड टर्न्ड ऑफ। पोर्ट्रेट मोड में तीनों का एज डिटेक्शन काफी अच्छा है पर Samsung का कैमरा थोड़ा और एक्यूरेटली एजेस को ब्लर आउट करता है। पर लो लाइट में Samsung के सेल्फीज बेकार आते हैं विद लॉट्स ऑफ नॉइज एंड ब्लर। Realme के लो लाइट सेल्फीज में थोड़ा लेंस फ्लेयर भी आपको दिखाई देगा। लो लाइट से याद आया कि हमने तो नॉर्मल लो लाइट पिक्चर्स की बात ही नहीं की है प्राइमरी कैमरा से। यहाँ पे Realme का प्रो लाइट इमेजिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही फायदेमंद होता है। लो लाइट शॉट्स Realme से बढ़िया आते हैं विद लॉट्स ऑफ डिटेल एंड कैरेक्टर। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि नाइट के शॉट्स नाइट में लिए ही नहीं है Realme ने। OnePlus के नाइट्स के पिक्चर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं पर Samsung के नाइट मोड पिक्चर्स में डिटेल्स की थोड़ी कमी है स्पेशली कॉर्नर्स में। Realme में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे कि स्ट्रीट फोटोग्राफी जिसमें आपको क्रिएटिव मोड्स मिलते हैं जैसे कि लाइट ट्रेल्स, लाइट पेंटिंग्स और कई ज्यादा मोड्स। नाइट वीडियोस काफी बुरे हैं तीनों फोन्स में, बहुत कम लाइट है और ज्यादा ही ग्रेन दिखाई देता है। अभी लो लाइट की पिक्चर्स की बात करो जिसमें ह्यूमन सब्जेक्ट्स है तो वो ठीक ठाक आते हैं। Realme कभी कभी बहुत ओवर एक्सपोज कर दे रहा है पिक्चर को जब नाइट मोड ऑफ है पर विद नाइट मोड आपको तीनों फोटोज में ज्यादा डिटेल्स मिल जाते हैं। वीडियो में आपको Samsung और OnePlus से अच्छा फुटेज मिलता है 4K और 1080p में पर Realme के वीडियोस बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है। AI वीडियोस को बहुत कलरफुल बना देता है तो आप इसे ऑफ ही रख देना। तीनों स्लो मोशन वीडियोस भी लेते हैं पर Samsung और Realme एक स्टेप आगे भी चले जाते हैं सुपर स्लो मो वीडियो के साथ जो 720p एट 960 fps पे लिया जाता है। हम तीनों फोन्स के साथ भागे और Realme सबसे ज्यादा स्टेबल था। ऑटो फोकसिंग में तीनों फोन्स थोड़ा स्ट्रगल तो करते हैं जैसे कि आप देख सकते हो। फाइनली हमने तीनों फोन से माइक का सैंपल भी लिया है, ये रहे। तो पहले हम बात कर रहे हैं OnePlus Nord CE2 से और अभी हमने स्विच ऑन कर दिया है Samsung Galaxy M53 को और लास्टली हम बात कर रहे हैं Realme 9 Pro Plus से। कमेंट्स में हमें बता देना कौन सा सबसे अच्छा है। तो क्वेश्चन ये है, 30,000 के अंदर कौन सा फोन का कैमरा सबसे अच्छा और वर्सेटाइल है? क्या वो Samsung का 108 मेगापिक्सल कैमरा सिस्टम है या Realme का फीचर रिच कैमरा सिस्टम? आंसर दोनों भी नहीं। हमें लगता है कि अगर आपको एक कंसिस्टेंट या एक समान फोटो खींचने वाला कैमरा सिस्टम चाहिए तो OnePlus आपके लिए बना है। आपको बढ़िया दिखने वाले डे लाइट फोटोज मिल जाएंगे जिसमें प्राइस के लिए बेहतर रीन डायनामिक रेंज, शार्पनेस और कलर्स है।
और आपको कंसिस्टेंट पोर्ट्रेट फोटोज भी मिल जाते हैं। जहां सैमसंग वन प्लस को मात देता है वो है मैक्रो और सेल्फी फोटोज, और जहां रियलमी आगे है वो है लो लाइट और अल्ट्रा वाइड फोटोज। पर मेन कैमरा में हमें सबसे बढ़िया वन प्लस का कैमरा ही लगा। आपको क्या लगा फोटोज और वीडियोज देख के कॉमेंट्स में हमें बता देना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये Vivo X80 Pro का कैमरा रिव्यू देखने में भी आपको बहुत मजा आएगा। क्लिक करके देखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।